यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वहीं खेल मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में 600 नई खेल नर्सरियां खोली जाएंगी, जहां पर विदेशी कोच खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारियां कराएंगे। आपको बता दें कि 440 खेल नर्सरियां प्रदेश भर में पहले से ही काम कर रही हैं और अनिल विज ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में ये बातें होने लगी है कि जो सरकार कुछ दिन पहले तक खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर पैसा देने को तैयार नहीं थी, अब वो नर्सरियां खोल रही है। साथ ही मतलब कि सरकार बताया गया नीति साफ नहीं है ये भी कहा गया, और पहले कहा जाता था कि जो खिलाड़ी रेलवे या किसी और विभाग की तरफ से खेले हैं उन्हें इनाम नहीं दिया जाएगा, उनकी उतनी राशि उन्हें नहीं दी जाएगी। नहीं, खिलाड़ियों ने इतराज किया था तो हमने उनकी बात मान ली, खिलाड़ियों की अब अपने खिलाड़ियों को हम नाराज थोड़ा कर सकते हैं, तो उनकी बात मान ली है कि भाई बिना कटे उनको इनाम राशि दी जाएगी। और अभी इसको मैंने मुख्यमंत्री से जाके इसको मंजूर करवाना है, फाइल मैंने बनवा ली है और खिलाड़ियों की बात मान ली है। देखिए ऐसा है, ये तो हर सरकारी कर्मचारी के लिए नियम पिछले 50 साल से है, इसमें नया कुछ नहीं किया गया था और ये गलत समझ लिया गया। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर वो कोई किताब लिखता है तो उसके उसको पैसे मिलते हैं, तो उसके 1/3 जमा कराता है, कोई लेक्चर देने जाता है उसके उसको पैसे मिलते हैं और करा रहे हैं, 50 साल से कर्मचारी करवा रहे हैं, नया कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने ऑन होल्ड कर दिया खिलाड़ियों का मामला, मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं ये अब उन पर निर्भर करता है।